हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया। मजा आया। Hello guys, welcome back to my new video. So before starting the video, if you want mock interview of 50 questions, so please do check it out my website. The link is given down in the description below. So in this video, we will study about center of buoyancy. And center of buoyancy, हमारे ship पे कैसे act करता है? Let's see. So center of buoyancy के इस paragraph में लिखा है कि center of buoyancy का जो force होगा, वो vertically upward होगा. और वो force किसके equal होगा? जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है शिप के वजह से या किसी भी ऑब्जेक्ट के वजह से, उसी अमाउंट के इक्वल होता है फोर्स किसका, सेंटर ऑफ बॉयंसी का फोर्स। सो शिप का अपराइट होने का कंडीशन क्या होता है? सेंटर ऑफ बॉयंसी वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, और दोनों ही अलाइंड कंडीशन में होने चाहिए। ये दोनों वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करेंगे ही करेंगे, चाहे वेसल का कंडीशन इस तरीके से हो जाए, मींस वेसल टिल्ट हो जाए। और यहाँ लिखा है कि इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ वाटर डिस्प्लेस, दैट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ द शिप, विच मीन्स कि जैसे ये वेसल है, इसका इतना पार्ट अंडर वाटर वॉल्यूम है, और इस अंडर वाटर वॉल्यूम के सेंटर में हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी लाई करेगा। नाउ कमिंग टू पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑफ ए शिप इज इंडिकेटेड बाई, अब हमें रेफरेंस पॉइंट देखना है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी का रेफरेंस पॉइंट क्या क्या है। पहला तो है कील, दैट इज के बी, और दूसरा हम आफ्ट परपेंडिकुलर से लेंगे, विच मीन्स रडर स्टॉक से लेंगे, दैट इज ए बी। और कुछ जो शिपयार्ड्स होते हैं वो कि अमिड शिप से लेते हैं, फॉर दैट वी विल स्टडी इट लेटर ऑन। सो व्हाट बेसिकली वी स्टडीड, दैट के सेंटर ऑफ बॉयंसी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी का जो पोजीशन होता है वो अंडर वाटर वॉल्यूम के सेंटर में लाई करता है, एंड द रेफरेंस पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी इज दैट इज कील टू सेंटर ऑफ बॉयंसी, दैट इज के बी, एंड फ्रॉम रडर स्टॉक विच इज ए बी। नाउ कमिंग टू दिस पैरा, इस पैराग्राफ में लिखा है कि जब भी हम बॉक्स शेप्ड वेसल को कंसिडर करेंगे और उसका जब हम ड्राफ्ट निकालेंगे, तो केबी की वैल्यू उस ड्राफ्ट के हाफ के बराबर होगी। बेसिकली जब हम एग्जैक्ट शिप शेप की बात करते हैं, तो जो भी हम बॉक्स शेप वेसल के लिए केबी निकालते हैं, तो 10-5% ज़्यादा ही होता है। सो जब भी हम बॉक्स शेप वेसल को कंसिडर करेंगे क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले उसका ड्राफ्ट निकालेंगे, वो जिस भी डेंसिटी में हो, सबसे पहले हम उसका ड्राफ्ट निकालेंगे और उस ड्राफ्ट को हाफ कर देंगे, सो दैट विल बी आवर के बी। और इस पैराग्राफ में ट्रायंगुलर शेप्ड वेसल के लिए बात किया हुआ है, तो ट्रायंगुलर शेप्ड वेसल का वैसे ही हम सबसे पहले ड्राफ्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स डेंसिटी, और ड्राफ्ट निकालने के बाद हम उसका के बी फाइंड करेंगे, एंड द के बी फॉर ट्रायंगुलर शेप्ड वेसल विल बी 2/3 ऑफ इट्स ड्राफ्ट, मीन्स जो भी ड्राफ्ट होगा उसका 2/3 हमारा के बी होगा। सो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि अ बॉक्स शेप्ड वेसल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, और हाइट दिया हुआ है उस बॉक्स शेप्ड वेसल का, दैट इज 8 meters, और वो सॉल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो सॉल्ट वाटर में अगर वो फ्लोट करेगा, तो उसका ड्राफ्ट सॉल्ट वाटर में कितना होगा ये हमें नहीं पता है। सो हम सबसे पहले ड्राफ्ट निकालेंगे, सो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में हमें हम एच लेंगे एज ए ड्राफ्ट, क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं पता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली फाइंड द ड्राफ्ट विच इज 3.2 meters। अब हमें ड्राफ्ट पता चल गया, सो वी विल डिवाइड इट विद बाय 2 एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के बी विच इज 1.6 meters। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ही है, और ट्रायंगुलर शेप्ड वेसल के लिए हम इसी तरीके से ड्राफ्ट निकालेंगे, और जो भी ड्राफ्ट आएगा उसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी आवर के बी फॉर ट्रायंगुलर शेप्ड वेसल। और अगर लॉग दे दिया हो या सिलेंड्रिकल ड्रम दे दिया हो, अगर डायमीटर दे दिया हो, तो सबसे पहले हम ड्राफ्ट ही निकालेंगे। ड्राफ्ट निकालने के बाद हम उस शेप के अकॉर्डिंग उसका सेंटर फाइंड करेंगे, एंड ऑन दैट सेंटर दैट विल बी आवर के बी। आई होप यू गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ चैप्टर 8 ऑफ स्टेबिलिटी, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू कमेंट इट बिलो, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।